नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। दर मध्यम सिंचाई पर योजना पूर्ण होने से जिले के 65 ग्रामों की 7555 हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित। मंत्री मलैया ने प्रेस को दी जानकारी। नवागत कलेक्टर विजय कुमार जे ने पदभार ग्रहण किया, पहुंचे हटा कृषि उपज मंडी का लिया जायजा। 10 वर्षीय नाबालिग से मोह काला करने वाले 26 वर्षीय युवक के विरुद्ध पुलिस ने किया मामला दर्ज, गिरफ्तार, पहुंचा जेल। देश का बल बजरंग दल, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारों से गूंजे नगर की गलियां, बजरंग दल प्रांतीय अभ्यास वर्ग का समापन। और अब समाचार विस्तार से। सतधरू मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र की जीवन रेखा बनने जा रही है। 315.65 करोड़ से इसका निर्माण कराया जा रहा है, जिसके भूमि पूजन के पूर्व प्रदेश के वित्त मंत्री एवं दमो विधायक जयंत कुमार मलैया ने स्थानीय पत्रकारों को जानकारी देते हुए बतलाया। लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ एक प्रोजेक्ट बना है, सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया और कल भूमि पूजन होने के साथ ही वहाँ निर्माण कार्य कल ही से प्रारंभ हो जाए। कल इसमें लगभग 65 गांव तो अभी सिंचित हो रहे हैं और 7,500 से ज़्यादा हेक्टेयर, यानी 18,000 एकड़ समझ ले आप, इससे सिंचाई होगी। परंतु हमारे पास वहाँ 61 MCM पानी है और ये मात्र 24 MCM पानी से सिंचाई हो रही है। इसके साथ साथ हम एक 100 गांव की सामुदायिक पेयजल की योजना भी बनाएंगे, उसके लिए पर्याप्त पानी है। और अगर 65 गांव के अलावा हमें और भी गांव में पानी की जरूरत पड़ी देने के, तो हम उसमें पानी दे सकते हैं, इतना पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पानी है। भूमि पूजन समारोह दमो विधानसभा क्षेत्र की प्रथम एवं अत्यंत महत्वाकांक्षी सतधरू मध्यम सिंचाई एवं पेयजल परियोजना लागत 315.65 करोड़, दिनांक 20 मई 2018, दिन रविवार प्रातः 10 बजे, स्थान ग्राम अधरोटा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ये राजस्व के बारे में जो अपन लोगों को मुआवजा दे रहे हैं लोगों को, तो इसमें तीन प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। वन विभाग अलग है, जो वन विभाग को आपने दिया है, राजस्व का अलग है और जल संसाधन का अलग है। और इसमें ये बात आ रही है कि जैसे जो भूमि है, अभी जैसे किसान संघ ने भी एक बात उठाई थी, आपके संज्ञान में होगी तो उसमें कुछ एक सुधार या करेक्ट करने का प्रयास किया होगा आपने। जी पहली चीज, वन विभाग का पूरा पैसा हम दे चुके हैं। वन विभाग का कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों की जमीन लैंड एक्विजिशन में जा रही है, जिनकी जमीन, उसको कलेक्टर का जो रेट है उससे हम दुगना रेट दे रहे हैं। जिनकी जमीन मान लीजिए सिंचित है, तो सिंचित के कलेक्टर गाइडलाइन का डबल दे रहे हैं। जिनकी असिंचित है, स्वीकार कर रहा है असिंचित है, दिख भी रहा है असिंचित है, उनको उसका हम दे रहे हैं। थोड़ा सा डिस्प्यूट आता है उस पर, जो वो कह रहे हैं हमारी जमीन तो सिंचित है, वो अपील कर लेंगे, थोड़े बहुत मामले आएंगे, नॉट मच, 95-97% कृषि में निपट जाएंगे, उसको अपन रिजॉल्व कर लेंगे। ये ऐसे अमृत सिटी योजना के अंतर्गत अपना दमोह नगर को सम्मिलित किया गया है और उसमें सेंट्रल सीवर सिस्टम की बात आ रही है कि सीवर बड़ा सेंटर में होगा सड़कों के बीच में, क्या ये योजना उसमें सम्मिलित है क्या? मतलब अमृत सिटी में सड़कों के बीच में बड़ा सीवर की योजना है क्या? सीवर सेक्शन है ये, ये। रखा है जब तक सारा काम नहीं हो जाता है, क्योंकि मैं कल गट्टी में देखा, मैंने सफल भी नहीं, मैं दो दिन से गट्टी में था, हाउसिंग बोर्ड के सामने की एक तरफ की पूरी रोड खुली पड़ी है, लंबी सड़क, कहाँ क्या हो रहा है, पूरे सीवर लाइन डर रही है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। जबलपुर में भी कितना बोल रहा है, पूरा शहर बिखर जाता है, जैसे अपने ये पाइप लाइनिंग के लिए है जरा, तो भी लोगों को इतनी असुविधा होगी, तो वो बहुत बड़ा काम।
मंत्री जयंत कुमार मलिया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि तद्दारू परियोजना के पूर्ण हो जाने से 7,555 हेक्टेयर यानी 18,660 एकड़ भूमि सिंचित होने लगेगी। उन्होंने कहा पानी का अपव्यय न हो इसके लिए प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम का भी प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा अधिग्रहण जमीन से हम दो गुना पैसा दे रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए।